हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शन। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी गुड। मैं रिएक्शन करने वाली हूँ मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके पर। सो सीएसके वर्सेस आरसीबी पे रिएक्ट किया था मैंने। सो काफ़ी अच्छा वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियोस थी वो। सो फिर सजेशन था कि मुंबई इंडियंस वर्सेज सीएसके पे भी करूँ, क्योंकि दोनों ही चैंपियंस हैं। बहुत दफ़ा ट्रॉफीज जीत चुकी हैं दोनों टीम्स, और काफ़ी तगड़ा मुकाबला होता है इनका ट्रॉफी के मामले में कि कौन जीतेगा कौन सा साल। सो लाइक सीएसके और मुंबई का तो बहुत क्लियर सा होता है कि ये बहुत आगे तक जाएंगी जब खेलेंगी तो। और आईपीएल वैसे भी आने वाला है, सो देखते हैं कि क्या वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपने ये करने की कमेंट में बताना है कि कौन से सपोर्टर हैं आप, मुंबई इंडियन के या फिर सीएसके के। फिर आज देखती हूँ कि कौन कहाँ किसके सपोर्टर ज़्यादा है, मुंबई इंडियन के या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के। सो लेट्स प्ले द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप सजेस्टिंग मी अमेजिंग वीडियो। सो लेट्स प्ले इट। सीएसके विद ट्रॉफी। ये ट्रेंड कितना चला था ना। ओहो, मुंबई इंडियंस छक्के मारी है सीएसके को। अच्छा, दोनों में सीएसके भी का भी है इसके छक्के। मुंबई इंडियन हैव 5 आईपीएल कप्स, दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट टीम। मीनवाइल सीएसके 5 टाइम चैंपियन, 12 टाइम इन प्लेऑफ, 10 टाइम इन फाइनल्स एंड दिस लेजेंड। अच्छा, 2024 की टीम है, अभी देखते हैं कौन सी है सीएसके में इस दफा। ऋतुराज, ओके आई नो हिम नाउ। हाँ, कॉनवे। अच्छा, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड ना, इंडिया ना, बट न्यूजीलैंड से है। धोनी, जडेजा, तो काफी स्ट्रॉन्ग सी टीम बनाई होगी ऑब्वियसली सबको अलग अलग जगह से लेके। मुंबई इंडियंस सीएस के साथ साथ, ओए होए 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 होए, इसके कैसे उड़ी है। नाइस एडिट्स, वैसे अच्छे एडिट बने हुए हैं ये। अच्छा, ये डिसाइड करना वाकई मुश्किल है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी हो सकती है। दोनों इक्वली 5-5 दफ़ा जीते। आई थिंक सी एस के 6 दफ़ा नहीं हो गया लास्ट टाइम सी एस के जीता है, तो आई थिंक 6 हो गया उनका, मे बी 5, आई डोंट नो। तो मुझे ज़रा ये बता देना, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओहो, ये कितना अच्छा एडिट है। अच्छा, मुंबई इंडियंस जीता था ये मैच। धोनी रिव्यू सिस्टम, अच्छा कुछ भी सोचा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी विकेट पे कि 1 सेकंड में रिव्यू लिया और वो आउट ही निकला। ये ईशान है ना। हाँ, ईशान मुंबई में है। तो फुल ऑन एंजॉय चल रहा है। ओहो, धोनी, ये धोनी है ना, कैसे ऊपर से आ रहे हैं। विनिंग मोमेंट है ये। सीएसके जडेजा की फील्डिंग तो वाओ, थ्रो, व्हाट अ थ्रो। फील्डिंग जडेजा की बहुत मशहूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीएसके में सब की फील्डिंग अच्छी है। ओह माय गॉड, कैसे आउट किया यार, कैच कितने अच्छे पकड़ रहे हैं ये, और कितनी जबरदस्त किस्म की थ्रो है।
हो, वाह, व्हाट एन एडिट, ओह माय गॉड, ये किससे बनाया यार, इतनी मेहनत। हिंदी में जो भी लिखा मुझे तो रीड नहीं कर सकती मैं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता हिंदी। 2013, 15, 17, 19, अच्छा हर 2 साल बाद जीतते हैं, 20 हर 1 साल के बाद है ना। 2022 में लास्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ क्वालिफाई होने वाली टीम सीएसके, सबसे ज्यादा बार फाइनल में जाने वाली टीम सीएसके, सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला खिलाड़ी सुरेश रैना सीएसके, हाँ, सबसे ज्यादा बार सीएसके कैप जीतने वाली टीम सीएसके, सबसे ज्यादा विन परसेंटेज टीम सीएसके, सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाला खिलाड़ी एमएस धोनी सीएसके, वाह भाई सीएसके तो फिर 200+ स्कोर करने वाली टीम सीएसके, सबसे ज्यादा मैच कप्तान के तौर तो फिर मान लिया जाए सीएसके नंबर वन है। फाइनली सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग वाली टीम सीएसके, उसके पहले हाँ। भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015 में जब टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट लिया था, तब तो ड्रेसिंग रूम में हुआ था ये। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन, एक क्लोज गेम जब आप हारे हो, एग्जैक्टली यार रिटायरमेंट पूरी हो जाती है। सो टू मी दैट वाज द लास्ट डे आई प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया, मैंने रिटायरमेंट 1 साल बाद ली, बट द फैक्ट वाज कि दैट डे आई हैड रिटायर्ड। आईपीएल विनर्स 2008 में राजस्थान, 9 में धक्कन, 10th में चेन्नई, 11 में भी चेन्नई, 12 में कोलकाता, 13 में मुंबई, 14 भी कोलकाता था, कोलकाता भी जीती है तीन दफा, मुंबई 15, हैदराबाद 16, मुंबई अगेन 17, 18 चेन्नई, 19 मुंबई, 20 भी मुंबई, 21 चेन्नई, आगे 2 साल वो कौन बताएगा। अच्छा कोलकाता में मैंने भी रिएक्शन नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि उसमें कौन कौन से प्लेयर्स है, वो भी देखूंगी। आईपीएल की प्रैक्टिस चल रही है, 4-time चैंपियन, 5-time चैंपियन, तो सही आई थिंक पुरानी वीडियो है, अब तो आई थिंक 5-5 हो गया या 5-6 हो गया शायद। सम पीपल से मुंबई इंडियंस सो वीक, कौन लोग है जो ये कहते हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो हमेशा सुना है मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रांग है। हाँ आई थिंक ये चेन्नई का ना विनिंग मोमेंट है, वो लड़की की शक्ल से मुझे पता चला है, हाँ वही है। लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर का जो फिनाले था, लास्ट 2 बॉल्स कमाल थी। हर बाजी जीतना जानते हैं, आईपीएल में जीतने का इतिहास बना डाले, कोई पूछे तो बता देना हम हैं मुंबई इंडियंस वाले। ओहो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीते थे, अब हार्दिक पांड्या देखते हैं क्या करता है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ये तो इक्वल चल रहा है, इक्वल ही हो जाना मुझे तो लग रहा है। अच्छा मुंबई को उन्होंने जिता लेगी, मुझे इक्वल ही लगा है अभी तक, आज सी बी साहब। अच्छा चेन्नई सुपर किंग एंड मुंबई इंडियंस, हाँ सो ये चेन्नई वर्सेस मुंबई था। आपने कमेंट करना जल्दी जल्दी और मुझे बताना है कि कौन से आपको लगता है ज्यादा, आप किसको सपोर्ट करते हैं, फिर काउंट करूंगी और फिर देखेंगे कि किसके ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, किसके फैंस ज़्यादा हैं। और दोनों ही बड़ी अच्छी टीम्स हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि मुंबई बुरी है या चेन्नई बुरी है, कभी भी नहीं सुना मैंने, क्योंकि दोनों ही इतनी दफ़ा चैम्पियन बने हैं। लेकिन ये है कि उसका जो
सीएसके की टीम है उसमें ये है कि उस वो टीम ज्यादा दफा क्वालिफाई किया, उन्होंने ज्यादा दफा फिनाले में पहुंची, आई थिंक ज्यादा दफा प्लेऑफ सेमीफाइनल ज्यादा ज्यादा दफा पहुंची है, ये मुझे इस वीडियो से समझ आया है। सो वैसे ओवरऑल मुंबई, वैसे टीम तो आरसीबी बहुत अच्छी है, लेकिन आरसीबी की किस्मत ही नहीं है इतनी अच्छी आज का, मतलब अभी तक चल रही कि वो फाइनल जीत सके, वरना फाइनल तक आई थिंक उन्होंने खेले हैं, फाइनल्स भी सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे हैं। तो फिर एट द एंड किस्मत पे, जैसे लास्ट टाइम जो चेन्नई जीती थी तो वो लास्ट 2 बॉल्स में क्या से क्या हो गया था, इसी तरह होता है क्रिकेट में। सो मजा आएगा, आईपीएल को इस दफा फॉलो किया जाएगा, रिएक्शंस करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय।